न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग इंस्टीट्यूट रीवा। त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव से लेकर नगरीय निकाय चुनाव तक आम जनता ने पार्टियों की आंख में बंधी पट्टी को खोल दिया है। जिस तरह से निर्दलीय प्रत्याशियों को जीत मिली है, उस झंडा और चिन्ह के नाम पर वोट मांगने वालों की नींद उड़ चुकी है और यही कारण है कि भाजपा और कांग्रेस ही अब अपनी पूरी ताकत झोंकने में जुटे हुए हैं। ये इस बात से पता चलता है कि एक सप्ताह के भीतर ही मुख्यमंत्री को दूसरी बार रीवा जिले का दौरा करना पड़ा और यहां तक कि रोड शो भी किया। सोमवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनाव के आखिरी दिन रीवा पहुंचे और सिरमौर चौराहे से कॉलेज चौराहा होते हुए शिल्पी प्लाजा में रोड शो किया। आइए दिखाते हैं रोड शो के दौरान भीड़ और मुख्यमंत्री के साथ सांसद जनार्दन मिश्रा, रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला, भाजपा जिला अध्यक्ष अजय प्रताप सिंह और प्रमोद व्यास की चुनावी रोड शो का हाल और आते हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा है। उत्पादन बढ़ा, संपन्नता आई, शहरों में रौनक आई, रीवा की दुकानें चली, यहाँ का बिजनेस और व्यापार बढ़ा। अब हम इसको औद्योगिक हब बनाने की दिशा में भी कदम बढ़ा रहे हैं। रीवा में अब एयरपोर्ट बन रहा है। आपको भी कह रहा हूं, 10 साल बाद रीवा इंदौर और भोपाल को पीछे छोड़ने की स्थिति में आएंगे और औद्योगिक दृष्टि से रीवा हमारा बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। मन में जो संकल्प और सपना है, सुंदर शहर रीवा, जहाँ हर इंसान मानवीय गरिमा के साथ अपना जीवन यापन कर सके, सुंदर रीवा, स्वच्छ रीवा, समृद्ध रीवा, विकसित रीवा और सुरक्षित रीवा, ये हमारा संकल्प है। जहाँ गरीब से गरीब आदमी भी अपना गरिमा पूर्ण जीवन जी सके, बनाने के लिए 10,000 रुपया दिया जाएगा। 10 पूरे वापस करेंगे तो 20,000, 20 वापस करेंगे तो 50,000 देके उनकी आजीविका की गाड़ी भी चलवाएंगे। राशन, मकान, जमीन का टुकड़ा, रोजगार, उसके साथ उनके पास अपना मकान हो। मकान बनाने का अभियान और संकल्प हमने प्रारंभ किया है। कोई गरीब बिना मकान के नहीं रहेगा। इस शहर में केवल गगनचुंबी अट्टालिकाएं नहीं होंगी, भवन बढ़ेंगे, क्योंकि विकास के साथ बढ़ते हैं बनते हैं, लेकिन उसके साथ साथ गरीबों के लिए भी इस शहर में, इस शहर के दिल में जगह होगी। कोई माफिया नहीं रहेगा, कोई बदमाश नहीं रहेगा, और माँ बहन बेटी की तरफ गलत नजर किसी ने उठाई तो बुलडोजर से रोन दिया जाएगा, छोड़ेंगे नहीं। सुरक्षित शहर, जहाँ इज्जत और सम्मान के साथ व्यापारी अपना व्यापार कर सके, और केवल बड़े व्यापारी नहीं, आज जगह जगह हाथ फैला वाले धन्यवाद का प्ले कार्ड लिए थे कि हमको 10,000 रुपया मिल गए काम धंधा चलाने का। उनका उद्घाटन कर देती है और चल पड़ती है। राजेंद्र जी को भी उसके लिए मैं बधाई देता हूँ, लगातार विकास किए, और अकेले प्रमोद व्यास ये कर्म, ये दिन रात काम करेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और ये अकेले नहीं, राजेंद्र जी, जनार्दन जी, अजय जी, इंद्रवीर जी, राजेश जी मामा, और अपने प्रधानमंत्री मोदी जी भी इनके पीछे खड़े रहेंगे। वहां से भी पैसा आएगा मोदी जी का आशीर्वाद, और यहाँ भी कसम नहीं छोड़ेंगे। तो रीवा 5 साल में ऐसा रीवा बनेगा तो लोग कहेंगे यार एक प्लाट रीवा में ले लो रे, रीवा जैसा तो कुछ है। हमारे पार्षद करेंगे शहर में, और इसलिए मेरी प्रार्थना है महापौर के लिए, भाई प्रमोद महापौर हमारे रहे, नगर निगम हमारा रहा 1.25 साल, वो आ गए थे, उन्हें रीवा का क्या हाल कर दिया था। घर तोड़ने के लिए नोटिस दिए जा रहे थे, लोगों को तंग और परेशान किया जा रहा था, पैसा वसूलने के लिए जुर्माना लगाया जा रहा था, अत्याचार, बुलडोजर उनका, हमारा बुलडोजर अपराधियों पे चलता है, लेकिन उनका बुलडोजर व्यापारियों को डरा के पैसा वसूल करने के लिए चलता था। उस राज को याद कर लीजिए। मैं रीवा हिंदुस्तान और दुनिया के सबसे अच्छे शहरों में से एक बनेगा, आपका आशीर्वाद प्रमोद और सभी पार्षदों को दीजिए। कमल के फूल की जनता का आशीर्वाद और प्यार भरपूर भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, क्योंकि रीवा में विकास बोल रहा है। लोग देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है और बीजेपी ही काम करेगी,
इसलिए मेयर बीजेपी का बनाए, पार्षद भी बीजेपी के जिताए। मध्य प्रदेश में लगभग कितनी सीटों की, सब जगह जनता का आशीर्वाद भरपूर मिला आपके पार्षद के वीडियो।